सेक्टर 1 भिलाई में मुख्यमंत्री इस्लाम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत शुक्रवार को पांचवां शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 40 प्रकार के टेस्ट निशुल्क किए गए, साथ ही दवाइयों का वितरण किया गया। जिले में जहां एक ओर कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसे में लोग भी अस्पतालों में होने वाली भीड़भाड़ से बचने कई दैनिक स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की शहर स्लम स्वास्थ्य योजना काफी कारगर साबित हो रही है, जो लोगों के वार्ड मोहल्ले तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का निःशुल्क जाँच कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सेक्टर 1 वार्ड 54 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा के द्वारा इस योजना का लाभ दिलवाने वार्ड में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोग स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाते देखे गए। शिविर में लगभग 40 प्रकार के मेडिकल जाँच निःशुल्क किए गए, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी यहाँ पर किया गया। वहीं यहां पर स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार की चिकित्सा सेवा घर पहुंच मिलना काफी अच्छी पहल है। इस कोरोना काल में ये पहल काफी कारगर है। मैं शिविर का लाभ लेने भी आया हूं और वशिष्ठ राम मिश्रा के जो उन्होंने जो कार्य किया है, ये जो शिविर लगा करके यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के, वो प्रायः सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ, और इनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय है। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जो भी काम करे कम है, वो भी सारे काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम भगवान से आशा करते हैं कि इस तरह का शिविर, इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहें, ताकि इस क्षेत्र के वासियों को इसका लाभ मिलता रहे। सर, इस तरह की योजना क्षेत्र में तो पहली बार हो रही है, मैं देखता हूँ जहाँ तक मैं पूरे भिलाई नगर को जानता हूँ, इस तरह की योजना तो मेरी नज़र में पहली बार हो रही है। तो वो चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद किसी भी प्रतिनिधि ने पहली बार करवाया है, और इस क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का लाभ होगा, उनको जानकारी मिलेगी कि उनके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखा के वो अरेंज कर सकते हैं अपने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भिलाई स्टील प्लांट में काम नहीं करते, क्षेत्र में से भी बहुत होते हैं, हाँ, जो कि वो नॉर्मली डॉक्टर को दिखाना अवॉइड करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यही है, बेहतर है कि इससे उनको जानकारी मिलेगी इस तरीके से कि उनको किस तरह की बीमारी है, और फिर वो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ तो भी इस तरह की सुविधा है, लेकिन क्या है कि वो अपनी बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। वही आयोजित शिविर को लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही इस तरह का पहल आगे लगातार करने की बातें कही। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट का आज यहाँ पे बुलवाया गया है, जिसमें 42 प्रकार की जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगा, और सवेरे 8 बजे से चल रहा है। इस शिविर में लोगों ने लगभग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और 4 बजे तक लगभग ऐसा लगता है कि 400 से 450 पेशेंट इसका लाभ ले पाए। बहरहाल निःशुल्क जाँच शिविर में बड़ी संख्या में पहुँचे लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।